वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली से कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली कैसी गई वो भी मुझे ज़रूर बताना मेरी दिवाली आ, कहेंगे तो अच्छी गई आ, अच्छी मतलब ठीक ठाक सबकी जैसे गई है वैसे ही मेरी भी गई है एंड यहाँ पे यह छोटी दिवाली वाले दिन हमारे कुछ इस तरीके से छलनी में आ, दीपक और एक दीपक तेल का एंड साथ ही साथ उसके खील और खिलौने रखते हैं बाकी के कुछ लोगों के चार आटे का दीपक और चार तरफ जलने वाला वो दीपक चार मुंह वाला रखते हैं सबके अलग अलग तरीके होते हैं हमारे इस तरीके से रखते हैं छलनी में मैंने लास्ट ईयर भी बताया था अच्छा यहाँ पे सेकंड डे स्टार्ट हो गया है पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं शाम का टाइम है मैं रेडी हो चुकी हूँ टैनी रेडी हो चुकी है मम्मी जो घर में दिए जलने वाले हैं जो आप पूजा के बाद जलाए जाएंगे वो उनकी तैयारी कर रही हैं यहाँ पे टैनी बैठी हुई है मम्मी के पास में और ये फोर्थ नवंबर यानी कि कल का ही व्लॉग है जो आप फिफ्थ नवंबर को देख रहे हैं मैंने हैंड टू हैंड व्लॉग आप लोगों के लिए पब्लिक किया है और यहाँ पे ये टैनी रेडीवेज टैनी को मैंने सिंपल कपड़े पहनाए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं टैनी को ये पहनाने वाली हूँ क्योंकि टैनी को ज़्यादा चटक मटक और वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो नॉर्मल कपड़े पहनती है वो और यहाँ पर ये मेरा लुक आप देख सकते हैं बाकी का लुक मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगी और यहाँ पर सिंपल भी तैयार हो रही थी साथ ही साथ में न सब रेडी हो ही रहे थे मैं सबसे पहले हो गई थी क्योंकि मेरे को कुछ रील और कुछ चीज़ें शूट करनी थी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो घर में डेकोरेशन के आइटम हम लोगों ने यूज़ किए हैं मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ और भी दिखा रही हूँ कि कहीं मतलब सब जगह कुछ ना कुछ कुछ, कुछ ना कुछ लगाया जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ऊपर झल्ला लगाई हैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेंगी तो अगर आप इसी तरीके की अपने घर को सजाने के लिए डेकोरेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप दिवाली पे ही करें उससे पहले उसके बाद में भी बहुत घर को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जाके बाय कर सकते हैं यहाँ से ये है मेरा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप फैसिलिटी भी अवेलेबल है व्हाट्सअप के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी इजी टू रिटर्न फाइव डेज टू एक्सचेंज पॉलिसी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आ, अमेजिंग प्राइस में आपको मिल जाएंगी मैंने भी यहाँ से और बहुत सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं उनका भी मैं रिव्यू आपको अपने दूसरे चैनल पर भी दिखा दूँगी प्रॉपर रिव्यू सो आप चेक कर सकते हैं जो और अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अपना लुक एक बार ही शेयर कर देती हूँ ये वीडियोस वैसे मैंने इंस्टा पे भी डाले हुए हैं सारे रील्स डाली हैं फ़ोटोज़ डाले हैं तो अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी इंस्टा पे में मेरी ट्विंकल फैमिली चैनल करके ही आइडिया है आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मेरे फैमिली की फ़ोटो एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी तो ये मैंने एक बेबी के साथ में बेबी अपना बम के साथ में एक शूट किया है छोटा सा क्लिप शूट किया है वो मैंने वहाँ पर एडिट करके डाला भी है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना एंड इसी तरीके की साड़ी बगरा भी आप जो है उससे वेबसाइट से, से बाय कर सकते हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें डेकोरेशन आइटम किचन यूज़ बहुत सारी चीज़ें आप जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं होम डेकोरेशन किचन का यूज़ वाले होने वाली एंड ऑल बहुत सारी सो so, आगे भी आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी वो मैं बताऊँगी वो भी मैंने वहीं से बाई की है सो so, आप चेक कर लीजिए। गाइस हैप्पी दिवाली happy दिवाली सो so, आज ही दिवाली और मैंने तैयार हो गई हूँ मैंने जैसे बताया था कि मैं पता नहीं है मैं क्या पहनूंगी क्योंकि मैंने कोई ड्रेस बाय नहीं किया तो मैंने यहाँ पे ये साड़ी डाला हुआ है ये मेरा नहीं है मम्मी का है साड़ी भी मम्मी का ब्लाउज भी मम्मी का है और स्वेलिंग की वजह से चूड़ियाँ भी जो है वो मम्मी की हैं क्योंकि मेरी चूड़ियाँ जो है मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मैंने अगर नेक में कुछ भी नहीं पहना क्योंकि मेरे को नहीं वो हो पा रहा है मैं नहीं पहन पा रही हूँ तो मैं थोड़ा ऊपर आ गई थी थोड़ा तो मैंने कहा दो तीन साल में फ़ोटो शूट कर लूँ मैं इसमें और सात दस तक का पूजा का मुहूर्त है लास्ट तो बस तैयार हो गया टहनी इधर आओ दिखाओ टे उधर टैन उन्होंने न्यू कपड़े पहने खड़े उधर ये तेनू ने भी सिंपल कपड़े पहने हैं और यहाँ पे मिक्की मैं... माउस की क्लिप लगाई हुई है अम्मा हाँ आपने आप जो बोले थे ये सिंपल क्या क्या आ... सिंपल कपड़े सिंपल मतलब एकदम प्लेन कपड़े क्यूट क्यूट जैसे सिंपल कपड़े हाँ सिंपल हाँ सिंपल मोस नहीं सिंपल कपड़े <laughs> तो बस अभी पूजा होने वाली है लाइटिंग वाइटिंग हो गई अभी मा... तो साढ़े साढ़े बज रहे हैं समथिंग नीचे जाऊँ मोसी कर देगी मम्मा झुक नहीं पाएगी ना लाडो जब तो अभी शायद हम लोग में मैं से मंदिर जाएंगे मैं भी मंदिर जाऊंगी मैंने सोचा आज मंदिर कर लेने फिर मंदिर मेरे शायद जब होंगे वो आफ्टर सोवर मतलब डिलीवरी के बाद सोवर हो जाएगी उसके बाद होंगे तो मैंने सोचा दो तो तीन रील बना लेती इंस्टा की तब तक अभी पूजा में टाइम है तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने फाउंडेशन भी नहीं लगाया अपने चेहरे पर जस्ट मैंने आई लगाया काजल लिपस्टिक एंड आईब्रो फिल किया एंड सिंदूर सूखा वाला एंड बाल मैंने ऐसे जूड़ा बनाया नॉर्मली और कुछ भी नहीं किया है बस और सूज सोइलिंग की वजह से चूड़ियाँ मेरी ना तो ये पुरानी वाली जो देख सकते हैं आप पीछे पहनी हुई ये उतरी भी नहीं है हाथ से और ये जो है आगे मैंने मम्मी का पहना है मेरे हाथ में मेरा नहीं आ रहा बिल्कुल भी सो लुक भी मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर कर दूंगी एंड आप लोगों की दिवाली कैसी कैसी रही मुझे ज़रूर बताना एंड लिटरली मेरा पेट इतना इतना सिल्की सिल्की जैसा हो रहा है ना कि मेरे ना पेट पे से साड़ी ना जो नीचे स्लिप हो ही जा रही है वो ही जा रही है बहुत मुश्किल से जो है साड़ी मैंने टिका के रखी है बहुत मुश्किलों से नहीं रही है साड़ी बट फिर भी पहन ली है मैंने फिलहाल पहन लिया है और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूं ठीक है और बहुत मोटी सी गोलू पोलू सी हो गई हूँ बहुत मोटी हो रही हूँ आई थिंक ये सब स्वेलिंग का खेल है आफ्टर डिलीवरी देखते हैं कितना मोटापा चढ़ा है मेरे पास ठीक है so, सो चलिए मैं रील बना लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और एंड विश यू हैप्पी दिवाली अगेन चलिए अच्छा अभी मैं नीचे आ गई हूँ तो यहाँ पे बस पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ पे पापा लिख रहे हैं श्री महावीर नमः हम लोगों के जैसे दिवाली मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर बताया था कि हमारे यहाँ जो दिवाली होती है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जो हमारे महावीर भगवान थे वो आज के दिन मोक्ष गए थे एंड उनका लड्डू चढ़ता है तो इस तरीके से हमारे यहाँ मनाई जाती है सबके मतलब कुछ लोगों के यहाँ राम जी वनवास से वापस आए थे इसलिए बनती है हमारे यहाँ इसलिए बनती है पर बनती है दिवाली दिवाली है यार किस लिए भी बनती हो है ना तो सारे लोग तैयार हो गए हैं टैनी तैयार हो गई है मौसी तैयार हो गई है टैनी की मम्मी भी रेडी हो गई है पापा रेडी होकर वहाँ पे वो लिख रहे हैं एंड सिंपल ने कुछ ये ड्रेस पहना था ये अपने लिए लेके आई थी मैंने जो पहनी है वो मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मैंने अपना नहीं पहना है मेरे पास तो मेरे साइज़ की चीज़ें आ ही नहीं रही हैं मेरे स्वेलिंग और ये सब चीज़ों की वजह से तो वो बस है अनमोल भी रेडी हो गया तो बस सब वेट कर रहे हैं मैं यहाँ चेयर पे बैठी क्योंकि मेरे पर वो ना बैठा नहीं जा रहा है मेरे से बिल्कुल भी तो मैंने यहाँ जूम करके दिखाया कि पापा स्टिकर लगा रहे हैं वैसे और यहाँ पे बातें चल रही थी कि आप ना पे हाथ से लिख दो हाथ से लिख दो श्री महावीर आय नमा हर बार ही लगते हैं तो क्योंकि मंदिर के कार्यक्रम होते हैं जब पूजा शुरू होने होते हैं उसी टाइम पे शुरू होते हैं सारी चीज़ें तो बस वही चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जैसे कि नमोकार मंत्र का स्टिकर लगा दिया इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें पूजा के टाइम पे ही सारी तैयारियाँ एंड टाइम पे होती हैं पहले से नहीं लगाते हैं और टेनी बैठ गई है बस टेनी का यही था वो कभी किस कुछ चीज़ टच कर रही थी कभी कुछ कर रही थी कभी ऐसे कर रही थी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब बड़े देर डर लग रहा था कुछ ऐसा उल्टा पुलटा ना कर दे क्योंकि उसको ना वैसा लगता है तो मम्मी यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही थी थोड़ा अपना साड़ी दिखा दो तो मम्मी की ये साड़ी और जो मैंने पहनी वो दोनों ही नई साड़ी है तो मम्मी ने एक पहन ली मम्मी बोली एक तू पहन ले तो मैंने वो पहन ली क्योंकि साड़ी में मेरे को एक फोटोशूट भी कराना था नाइन मंथ मेरा जैसे कि चल रहा है और एक मेरे को ना वो भी था कि चलो एक हो जाएगा और दिवाली पे कुछ वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था सूट वूट पहनो तो वो पेट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लेके आओ साइज इसलिए मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे सारे दिए रखे हुए थे जिसमें जो अभी घर के लिए जगेंगे यहाँ पे चौकी तैयार हो गई है लक्ष्मी गणेश जी वहाँ पे छोटे से उस छत्र के नीचे रख दिए गए हैं एंड ये जो बड़ा हमारा घी का दीपक है ये पूरी रात जलेगा तो ये यहाँ पे रख दिया है एंड बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं सारी चीज़ें मतलब तैयारी चल रही है पूजा की सारी तैयारी होते ही यहाँ पे हम लोगों का पूरा पूजा दिवाली पूजन पढ़ लेते हैं दिवाली पूजन पढ़ने के बाद में फिर वो होता है क्या बोलते हैं नमकार मंत्र का थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं मतलब पूरा एक बार तो ऐसे ही सारी चीज़ें कर लेते हैं फिर उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं मंदिर के दिए रखने जाते हैं मंदिर के दिए रख के आने के बाद मैं लिटरली थोड़ा सा मतलब मंदिर, मंदिर के मंदिर ही गई हूँ आज मैं कितने मतलब सिर्फ डॉक्टर की विजिट के लिए जाती हूँ लेकिन मंदिर में यहाँ पर आई हूँ तब से आज गई हूँ वरना मैं मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पे चला ही नहीं जाता लेकिन फिर मैंने कहा चलो दिवाली कर करके आते फिर अब मेरे को जाना पता नहीं कब मिलेगा अब सीधा मंदिर मेरे को ऐसा लग रहा है डिलीवरी के बाद जब सोवर निपट निपट जाएगी ना मेरी उसके बाद ही मेरे को ना जाने को मिलेगा क्योंकि इसके अलावा अब कोई चांस ही नहीं है मेरा दर्शन जब होंगे तभी होगा तो यहाँ पे दीपक जल चुका है अच्छा यहाँ पे ना अभी एक चीज़ और लगाई जाएगी लक्ष्मी गणेश जी की जो शेडो वाले होते हैं जिसमें आप कैंडल या आप दीपक उनका जला देते हो तो उससे ना शेडो बन जाती है पीछे लक्ष्मी गणेश जी की जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि चौकी पे लगाए जा रहे हैं तो उससे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है तो वो भी जो है हमने आ, वहीं से बाय किए हैं तो आप लोग जैसे मैंने बताया उसी वेबसाइट पर जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें बाय कर सकते हो वहाँ सिंपल एक चीज़ नहीं मिलती है और एक चीज़ के लिए वो वेबसाइट नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में आपको जो है वो मिल जाते हैं सो तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर टीका हो रहा है टीका सबको लगाया जा रहा है पहले पापा खुद के लगाए और अब सबके लगा दिया है सबके टीका लगाया जाता है उसका पूजन पड़ रहे हैं तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से जैसे पूजा होती है उसी तरीके से हो रही है टैनी को मैंने ज़्यादा कुछ रेडी नहीं किया जैसे मैंने बताया उसको नॉर्मली इसके क्लिप लगा दी और इस तरीके से नॉर्मल कपड़े और वो इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल थी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि इन कपड़ों में कंफर्टेबल वो इसलिए रहती है कि उसको ना फ्री फ्री जैसा फील होता है और यही अगर आ, कुछ ऐसा पहना दो उसको हैवी तो उसको ना उतार दो उतार दो मुझे नहीं पहनना मुझे चुभ रहा है मुझे ये हो रहा है तो नहीं पहनती है शुरू से मैंने उसको ऐसे कपड़े पहनाए तो उसको ना इन्हीं की आदत है तो यहाँ पे सारे जितने भी मिठाई के डब्बे और ये सारी चीज़ें होती हैं उन पर भी कर दिया है तो <coughs> ये सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी है मतलब ऑलमोस्ट पूजा डन होने वाली है पूजा होने के बाद में हम लोग करेंगे यहाँ पे नमोकार मंत का पाठ और ये हो चुकी है हमारी पूजा और आप लोगों के किस किस तरीके से क्या क्या हुआ कैसी आपकी दिवाली की वो ज़रूर बताना और ये देख सकते हैं मैंने लक्ष्मी गणेश जी जैसे आपको बताया था इनकी शेडो बन जाती है अगर लाइट ऑफ करेंगे तब आपको एकदम क्लियर शेडो दिखेगी तो यहाँ पे चालू हो गया नमोकार मंथ का पाठ मैं भी आपको सुनाया

आरती श्री जी ने वाणी ध्यान स्वर्ग मुक्त सुख दानी आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या मन में ठानी जो ये आरती पढ़े पढ़ावे तो नर नारे अमर फल तो पावे फिर स्वामी तो सबसे आखिर में यहाँ पे हो रही है आरती और पूरा हो चुका है तो की आरती महावीर भगवान की आरती ये सारी हो रही है हमारे यहाँ पे लास्ट में और बस आरती होने के बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए तो चलिए मंदिर चलते हैं सारे लोग चुके हैं हम मंदिर और ये मंदिर पूरा डेकोरेशन पूरा सजाया गया अच्छे से मंदिर में इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि मंदिर में पूरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ा दूर भी है मंदिर तो इसलिए मैं आ जाई हूँ बहुत दिन बाद मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आ जाई हूँ मंदिर में नहीं जा पाती हूँ और पूरा सीढ़ियाँ चढ़ के डेली और ये करना कब पैर स्लिप हो जाए और ला मतलब रात जब यहाँ से हम उतर रहे थे तब भी मेरा पैर स्लिप होते थे बच्चा तो यहाँ पर आरती हो रही है सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग अपने सेम टाइम पर ही आए हैं मंदिर में <coughs> और दीपक दीपक जलाने तो देख सकते हैं आप लोग सारा मंदिर ये पार्शनाथ भगवान का मंदिर है यहाँ पे और ये जो भगवान है बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं इनसे वहाँ भगवान सारे ही अच्छे थे मतलब इनसे जो भी मांगो सब पूरा होता है देख सकते हैं आप लोग तो सबने अपने अपने दीपक रख दिए हमारे दीपक ये आगे सबसे आगे मम्मी ने लगा के रख दिए हैं और अब हम लोग घर वापस और यहाँ पे जो है अनमोल घर में अब अब हमारे घर में दिए जलाए जाएंगे सारे और सिंपल तैयारी करिए पटाखे चला रहे पटाखे चला रहे पटाखे हम लोगों ने नहीं चलाए सिर्फ़ एक फुलझड़ियाँ जो है वो हमने चलाई थी क्योंकि टहनी की वजह से ही लाए थे बस इसके अलावा पटाखे वटाखे हम लोगों ने नहीं चलाए क्योंकि बाहर ऑलरेडी इतने धम धूम हो रहे थे उससे ही हम बहुत डर रहे थे इसलिए हम, हम लोगों ने नहीं चलाए सिर्फ फुलझड़ी हम लोगों ने टहनी के अकॉर्डिंग जो है वो चला ली मतलब टहनी के पकड़वा के चलवाई थी उसमें भी वो डर रही थी सो वो भी नहीं करी तो कुछ मतलब शायद दो तीन ही चलाई होंगी और एक चकली चलाई थी बस तो यहाँ सिंपल है और सिंपल कह, कह रही है टैनी को पकड़ ले पकड़ ले लेकिन टैनी को नहीं पकड़ना है वो कई बार उसको बोला कि पकड़ ले डर रही है वो पकड़ने में वो शुरू से ही पटाखो और इन सब चीज़ों से बहुत ज्यादा डरती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो छोड़ दी उसने वो बहुत डरती है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती है नहीं चलाती है ना पटाखे चलाती है ना शुरू से ही उसकी ये आदत है शुरू से ही उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है फिर मैंने उसको पकड़वा के थोड़ा सा चलवाई थी यहाँ सबने कान बंद कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज वो देसी बम और आलू बम क्या होते हैं वो सब होते हैं यहाँ पर मैं टेनी से चलवा रही हूँ बस थोड़ा सा और ये रही मिठाई सो आप लोग खा लीजिए एंड विश यू हैप्पी दिवाली अगेन एंड बाय